देश की राजधानी दिल्ली की जनता को एक बार फिर से ट्रैफिक से जूझना पड़ेगा। राजधानी के आश्रम फ्लाईओवर चालू हो जाने के बाद अब चिराग फ्लाईओवर की मरम्मत का काम शुरू हो गया है। चिराग दिल्ली फ्लाईओवर को आज 12 मार्च से मरम्मत कार्यों के चलते अगले 50 दिनों तक बंद कर दिया गया है। लोक निर्माण विभाग द्वारा फ्लाईओवर के हर लेन की मरम्मत को पूरा करने के लिए 25-25 दिन का प्लान तैयार किया है। ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, इसके संबंध में ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में बताया गया है कि पहले चरण में नेहरू प्लेस से आईआईटी दिल्ली फ्लाईओवर तक इस सड़क को बंद कर दिया जाएगा। इसके चलते नेहरू प्लेस से चिराग दिल्ली सीआर पार्क, नेहरू प्लेस ग्रेटर कैलाश, चिराग दिल्ली कालकाजी सहित अन्य जगहों पर भारी जाम लगने की संभावना है। दिल्ली यातायात पुलिस ने वाहन चालकों को आईआईटी और एम्स जाने के लिए नेहरू प्लेस से लाला लाजपत राय मार्ग पर जाने की सलाह दी है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि चिराग फ्लाईओवर की मरम्मत काम की वजह से मार्ग के बंद होने से अन्य मार्गों पर वाहनों की संख्या बढ़ने से भारी जाम लगने की संभावना है। इससे आम जनता को असुविधा हो सकती है। रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों, अस्पतालों आदि की ओर जाने वाले यात्रियों को यातायात पुलिस ने सलाह दी है कि वह समय से पहले घर से निकले या फिर वैकल्पिक मार्ग का चयन करने की सलाह दी गई है। पीडब्ल्यूडी की चिराग दिल्ली फ्लाईओवर के मरम्मत कार्य की ये पूरी प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी होने की योजना है। रविवार से शुरू हो रहे पहले चरण में चिराग दिल्ली फ्लाईओवर के नेहरू प्लेस से आईआईटी की ओर जाने वाली मार्ग की मरम्मत की जाएगी और इसके चलते करीब 25 दिनों तक इसे बंद रखा जाएगा। दूसरे चरण की बात करें तो फ्लाईओवर के आईआईटी से नेहरू प्लेस की ओर जाने वाले मार्ग की मरम्मत होनी सुनिश्चित की गई है। इस दौरान फ्लाईओवर का दूसरा लेन यातायात के लिए चालू कर दिया जाएगा।